अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश और एकदम फिट फाट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। जी जनाब, हम भी ठीक ठाक। और सुबह का नाश्ता बन रहा है जनाब, और छुट्टी का दिन और सुबह का नाश्ता जो है वो बन रहा है जी पराठा। और इस टाइम पे बच्चों की फरमाइश पे जी पराठा। हस्बैंड ने कहा जी उन्होंने चीज़ी आमलेट खाना है, तो जनाब उनके साथ चीज़ी आमलेट और फिर पराठा खाए बना रहे हैं। तो इस टाइम पे हम लोग, और इत्तेफाक से जब हमने चीज़ देखा तो वो जनाब जो है वो बिल्कुल ही हार्ड था, जम चुका हुआ था ना, कि फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें कर ही लिया उसका भी। और जी यहाँ पर हमारा जो चीज़ है वो बिल्कुल इस टाइम पर हार्ड हो चुका हुआ है, और इन्होंने आमलेट खाना है चीज़ वाला। अब देखते हैं कि ये मेल्ट होता है कि नहीं होता, कि पत्थर बन गया है सारा। सुबह सुबह ना सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि जब आपको प्याज और टमाटर काटना हो। सच्ची बात है यार, ये सबसे अजीब सी बात होती है। और अक्सर आमलेट खाना हो, दूसरे फ्राई अंडे तो बड़े मज़े से बन जाते हैं ना, तवे पे डाले और बन गए। तो यहाँ पे जब काटना पड़ता है ना, तो उसी बंदे को पता होता है कि एक तरफ पराठे बन रहे हो और टमाटर और प्याज भी काटना पड़े। तो जनाब यहाँ पर जनाब मैंने प्याज और टमाटर काट लिए थे, और साथ जो चीज़ था वो बिल्कुल चूल्हे के पास रख लिया था कि जब तक मेरे पराठे बनते हैं तब तक वो थोड़ा सा जो है ना वो नरम हो जाए। तो वैसे ही हुआ कि वो हल्का इतना सॉफ्ट हो गया था कि मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि उसके बाद तवे पे उसने हो ही जाना था। तो जनाब बस यहाँ पे हमने चीज़ें जो हमारा आमलेट है वो रेडी हो रहा है, और यहाँ पे बन गया हमारा। तो जनाब अभी आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये हमारा पराठा, ये है हमारा आमलेट, और अब करते हैं जी नाश्ता। जी ये सारी सब्जियां आई हैं मंडी से, तो अभी हम इसको रखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने इस मिट्टी को कर लिया है जी, इसमें मैं लगाने लगी हूँ जी पुदीना। अल्लाह करे लग जाए, कोशिश है कि लग जाए, क्योंकि ये देखिए मैंने ना यहाँ पे तो एक लगाया था जो माशाल्लाह काफ़ी हो गया। मैं इसको भी उतार के, मेरा दिल है कि मैं इसी में लगा लेती हूँ, और बाकी जो है ना वो मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये मैंने इसकी डंडियाँ कट की हैं, मतलब कट नहीं किया अभी, मतलब रखी हैं, तो इसके अंदर इसको लगाएंगे। तो चले मैं इसको लगाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है ना। मैंने लगा ली हैं सारी स्टेम्स इसके अंदर लगा ली हैं, अब इसको हल्का सा स्प्रे करते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ना इसको हल्का सा जो है वो स्प्रे कर देते हैं, फिर देखते हैं जनाब कितनी इसकी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, मेरा तरीका आ जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि मेरे से लगती नहीं है। फिर एक दफ़ा पहले भी मैंने ऐसे लगाई थी, नहीं लगी थी, तो ये तो थोड़ी सी ऐसी थी कि जिसमें थोड़ी सी जड़ निकली हुई थी तो वो लग गई, तो इनकी तो जड़ें नहीं है, तो इनको तो बस कट किया और लगाया। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अब यह स्प्रे कर दिया हमने, और अब इसको रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आता है। चले जी अब खाना बनाते हैं। और जनाब यहाँ पे इस टाइम पे आरिश जो है वो पढ़ रहा है, इशमाल थोड़ी देर ब्रेक लेकर चली गई है, और वहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए पढ़ रहे थे। और आजकल ना हमारे घर में ना पढ़ाई वाला माहौल हुआ है, क्योंकि सबके पेपर्स चल रहे हैं। यहाँ पे इशमाल साहिबा जो है वो अपनी जो है वो बुक सक के थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर गई हुई है, जो ब्रेक इनको बहुत चाहिए होती है। और मैंने कहा जी शाम का टाइम है, तो चले जनाब मैं इनके लिए कटलेट्स बनाती हूँ। तो मैंने प्रेशर में आलू रख लिए हुए हैं, तो जने बस सब हो गए हैं, तो मैं इनके लिए कटलेट्स बनाती हूँ। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे मैंने जो है ना आलू के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स कर ली हैं, जिसमें मैंने डाला है जी ब्लैक पेपर डाला है, और गर्म मसाला डाला है, नमक डाला है, जो रेड मिर्च होती है वो क्रश की हुई वो लड़की डाली है, और धनिया डाला है, और इसमें चिकन का पाउडर डाला है, और चाट मसाला डाला है। ठीक है जी, इन सबको मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है अंडे के अंदर डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। और जनाब जी मेरा छोटा सा ब्लॉग था, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है जी, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जनाब सब हमारे जो आलू के कटलेट हैं वो रेडी हो गए हैं, हम बच्चों को देती हूँ कटलेट, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।